संसार में सबसे सुंदर कौन है? छोटा बच्चा है ना, उससे पूछो। उसके लिए तो माँ से अच्छा क्या है बता? छोटे से बच्चे के पास भगवान आकर खड़े हों और भगवान अपनी गोद में लेना चाहें तो वो भगवान की गोद में ना जाए क्यों? वो चला जाए भगवान की गोद में तो माँ की गोद के लिए रोएगा भगवान की गोद में जाकर। ये बात सही है कि गलत है? तो सबसे सुंदर है माँ और माँ ही है भगवान, तो भगवान सबसे सुंदर, माँ ही ईश्वर है। हमने ईश्वर को नहीं देखा पर ईश्वर माँ के रूप में है, उस माँ को तो देखा है। एक भगवान सब तक कैसे पहुंचता? तो उस एक भगवान ने माँ बना दी कि मैं माँ के रूप में सबके पास मौजूद रहूंगा। तो जो माँ है वो ईश्वर है। अच्छा बताओ, माँ और भगवान ये दो हैं कि एक है? भगवान की सूरत कैसी होगी? बिल्कुल माँ के जैसी होगी, नहीं? इसलिए भगवान को पहले माँ कहा जाता है। आप सब गाते हो, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण पढ़ूँ मैं किसकी। तो भगवान को क्या बोला गया? माँ मात माँ त्वमेव माता माँ। भगवान का भी तो नाम एक माँ है। भगवान का नाम क्या है? माँ। तो सबसे सुंदर कौन? हाँ, संसार को बाद में देखा है हमने, नेचर को प्रकृति को हमने बाद में देखा है। पहले तो जब आंख खुली उस समय केवल माँ सामने थी। जब हमने कुछ पहचानना सीखा तो पहली बार में किसे पहचाना? बच्चा बाप को भी बाद में पहचानता है, पहले इसलिए भगवान बहुत सुंदर है, सबसे सुंदर है भगवान। और ये भगवान ही मेरी माँ बनकर मेरे साथ रहते हैं, ये भगवान ही मेरी माँ बनकर मेरे साथ रहते हैं। इसलिए आपके साथ यदि माँ है तो समझो कि आपके साथ भगवान है। इस संसार में सबसे दयालु कौन है? दयालु, दयावान। बताओ सबसे दयावान कौन है? बताओ इस संसार में मैया सबसे दयावान कौन? जोर से, जोर से, जोर से और जोर से। आप नहीं बोल रहे हैं। सबसे दयावान है भगवान। कैसे? मैं देखो प्रूफ करता हूं, हर चीज को सिद्ध करूंगा। सबसे दयावान है भगवान। देखो कैसे, सबसे सुंदर माँ थी, वहां पे माँ को मैंने स्थान दिया, पर दया की जब बात आएगी तो वहां भगवान आ जाएंगे। कैसे? अब देखो, जब बच्चा पैदा हुआ तो माँ ने छाती से लगाया, सबसे पहले दूध पिलाया। तो ये दूध जो माँ पिला रही है ये माँ की महानता है। यदि उस माँ के आंचल में ईश्वर ने दूध भरा ही ना होता तो माँ क्या पिला देती? तो माँ के आंचल में भी दूध भरने वाला कौन है बोलो? बच्चा पैदा नहीं होता तो माँ के आंचल में दूध नहीं होता, और बच्चा हो जाता है तुरंत दूध आ गया, मतलब माँ ने तो कुछ भी नहीं किया ना, नहीं किया ना। और जैसे ही बच्चा पैदा हुआ आंचल में दूध की धारा आई ना, कौन था ये कनेक्शन जोड़ने वाला? उस दयालु, उस कृपालु परमात्मा को पता था कि तू जाएगा क्या खाएगा, संसार की साग सब्जी तू ना पचा पाएगा, तो तुम्हारे आंचल में, मतलब माँ के आंचल में, चुट इतनी देर में, तो
बच्चा पैदा यहाँ हुआ, तुरंत दूध की धार। वाह, अब बताओ वो मेरे कन्हैया कितने दयालु हैं, उन्हें पता था कि मैं क्या खाऊंगा पीऊंगा, ऐसे अमृत जैसा दूध भर दिया माँ के आंचल में। इसलिए दयालु कौन, इतना दयालु कि उसने माँ के आंचल में मेरे लिए दूध भरा। उस दूध को बच्चा ही तो पिएगा, बच्चे के लिए ही तो ईश्वर ने व्यवस्था करी। पहला आंचल में माँ का गाढ़ा दूध पीले कलर का आता है, गाढ़ा सा जो बहुत हेल्दी पौष्टिक होता है, जो सारी जिंदगी बच्चे को एनर्जी से भरता है। इसीलिए तो लोग कहते हैं माँ का दूध पिया हो तो आजा। क्यों ऐसा बोलते हैं ना, माँ का दूध पिया तूने? हाँ मैंने माँ का दूध पिया। तो बताओ, मेरी माँ ने मुझे गले लगाया, वो चिपकाए रहती छाती से और दूध ना होता, फिर क्या करती माँ? इसका मतलब मेरे भगवान बहुत दयावान है, नहीं है? नहीं है? भगवान बड़े दयालु हैं। अरे भगवान ने ही तो देखने की आंखें दी, अंधे होते तो माँ क्या कर लेती, बाप क्या कर लेता? भगवान ने दयावश तुम्हें आंखें दी। अरे भगवान दयालु हैं तो तुम्हें पांव दिए, लंगड़े होते तो क्या कर लेती तुम्हारी माँ, क्या कर लेता तुम्हारा बाप? जो लंगड़े हैं क्या कर लिया उनके माँ बाप ने? बहुत दयालु हैं भगवान। चलने को पांव दिया, देखने को आंख दी, सुनने को कान दिया, उठाने को हाथ दिया, कोई वस्तु उठाने को, हाथ उठाने का नहीं, वस्तु उठाने को हाथ दिया। तो भगवान बड़े दयालु हैं। क्यों मैया, कौन दयालु है? जोर से। इसलिए भगवान को बहुत, इसलिए भगवान का नाम है दीन दयाल। भगवान का नाम क्या है, क्या नाम है भैया, क्या अर्थ हुआ दीन दयाल का? चलो दीन दयाल का अर्थ बताओ, ये पीले भैया बताएंगे हमारे, आप अच्छा दादाजी बताएंगे हमारे भैया के पीछे वाले। दीन दयाल मतलब बताओ, जो दीनों पर दया करें, दीन दयाल जो दीनों पर। अच्छा दीन कौन है? मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर। हम दीन हैं, हम कौन हैं, हम कौन हैं? मौसम दीन न दीन हित, मेरे जैसा दीन कोई नहीं है। दीन किसे कहते हैं, दीन किसे कहते हैं, दीन किसे कहते हैं? लोग नहीं बोलते अरे बड़ा दीन है, बड़ा दुखी है, दीन दुखी। दीन मतलब असहाय। जैसे द्रौपदी सबको बुलाती, अर्जुन भीम नकुल सहदेव, आओ, कोई नहीं आया, अब साड़ी उतर रही है, सबको बुला के थक गई, अब वो दीन हो गई। हे दीनानाथ, अब मुझ अभागिन पर, मुझ दीन पर दया, अब कोई नहीं है। जिसका कोई करने वाला हो वो दीन नहीं है, जिसका कोई ना हो, जिसका कोई बल नहीं। जैसे अनिरुद्धाचार्य, मेरा एक कृष्ण कन्हैया के सिवा इस संसार में कोई बल नहीं है, मेरे बल तो भगवान है। तो मैं दीन हूं, मैं किसी को नहीं पुकारता जब संकट आता है, भगवान आने नहीं देते। मैं एक भगवान को जानता हूं, मैं किसी को नहीं जानता, सच्ची बता रहा हूं, मैं किसी को नहीं जानता भगवान के सिवा। जब जब जीवन में कुछ हुआ वो इन बिहारी जी ने, जगन्नाथ जी ने किया। सुख में तो सारा संसार आपके साथ होगा, लेकिन जब दुख आता है ना, तो एक भगवान के सिवा आपके साथ कोई नहीं होता। इसलिए जिसका कोई ना हो, एक भगवान, एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, एक भगवान के सिवा कोई बल ना हो, वो दीन है। और जो दीन है उसी पर भगवान दया करते हैं, इसलिए नाम पड़ा दीन दयाल। भगवान का नाम क्या है, जो दीनों पर दया करें। दीन कौन, जो एक भरोसे भगवान के, वो दीन है। आप में से कितने लोग दीन हैं?
जो एक भगवान के भरोसे हैं वो दीन है, और जिन्हें पति का, पत्नी का, परिवार का, पैसे का रुतबा घमंड है वो दीन नहीं हो सकता। भगवान बोलेंगे चल तू पहले पैसे से काम कर ले। द्रौपदी को पहले घमंड था, मेरा अर्जुन पति है, मेरे तो भीम जैसा बलवान है, मेरा धर्मराज जैसे, इनका बल उनका बल। भगवान बोले कर ले बल से काम, नहीं आए खड़े रहे, खींचती रही साड़ी। जब कोई बल काम ना आया तब पुकारा द्रौपदी ने, गोविंद सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, गोविंद सहारा तेरा है। जब द्रौपदी ने पुकारा तो द्वारिकाधीश द्वारिका में थे, रो रहे थे। रुक्मणी माँ पूछी प्रभु आपकी आंखों में आंसू क्यों? बोले मेरी बहन पर संकट है। तो जाओ, भगवान बोले नहीं जा सकता। क्यों? उसने बुलाया ही नहीं, वो तो सबको बुला के समय बर्बाद कर रही है, तो आप जाओ बिना बुलाए ना। भगवान का सिद्धांत है, वो नियम तले बंधे, जब तक कोई बुलाता नहीं है ना वो जाते नहीं। क्यों जाएंगे बिना बुलाए? कोई क्यों जाएगा? इसलिए साड़ी उतरती रही, द्रौपदी सबको बुलाती रही। भगवान बोले सबको बुला रही हो, मैं क्यों जाऊं? सबको बुला सकती हो तो मुझे भी तो बुला सकती हो। सबको बुलाना याद है, मुझे बुलाना भूल गई? आप लोग यही तो करते हो, सबको बुलाते हो, भगवान को नहीं बुलाते। सबको याद रखते हो, भगवान को याद नहीं रखते। भगवान ही बोले ठीक है, नहीं बुलाए हम क्यों जाएं? जब द्रौपदी ने समझ लिया कि अब कोई ना आ रहा, तब याद आया कि जो आते हैं उन्हें तो हमने बुलाया ही नहीं। जब पुकारा गोविंद, गोविंद में विंद नहीं बोल पाई, केवल गो, गोविंद का केवल गो बोला मुंह से, कि द्वारिकाधीश इतनी देर में तो आ गए और वस्त्र बनकर खींचने लगे। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन थक गया, साड़ी उतारता गया, ढेर लग गई। बोला कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी ही कि नारी है, कि नारी ही कि साड़ी है। द्रौपदी माँ ने कहा मूर्ख, ना साड़ी बीच नारी है, ना नारी बीच साड़ी है, ना साड़ी ही कि नारी है, ना नारी ही कि साड़ी है, ये तो वृंदावन बिहारी है जो चीर बनकर खिंचा जा रहा है। द्रौपदी को दर्शन हो रहा है पर दुशासन को दर्शन नहीं हो रहा था भगवान का। पांडवों को, पितामह भीष्म को दर्शन हो रहा है पर कौरवों को दर्शन नहीं हो रहा है कन्हैया का। ये भगवान है, यहां भी तो भगवान है, पर जिसे वो दिखना चाहेंगे उसे दिख जाएंगे, जिसे वो ना दिखना चाहेंगे। जब द्रौपदी की साड़ी बचाई, द्रौपदी की लाज बचाई, तो जिसे दिखना चाहे उन्हें दिख गए। तो सोई जाने जे देहु जनाई, भगवान सामने खड़े हो लेकिन भगवान को देख वही सकता है जिन्हें स्वयं प्रभु दर्शन देना चाहे, वरना खड़े तो हैं कहां दिखते हैं। दुर्योधन कहां देख सका, कहां देख सका दुशासन, कहां देख सका शकुनी। द्रौपदी ने पहचान लिया, पितामह ने देख लिया। शांति दूत बनकर आए थे तो भी तो अर्जुन के सामने ही खड़े थे, कहां पहचान पाए? हे गोविंद, पता नहीं हमारे सामने भगवान कितनी बार आए होंगे, पता नहीं भगवान आपके सामने कितनी बार आए होंगे, कभी दीन बनकर, कभी दुखी बनकर, कभी भूखे बनकर, कभी प्यासे बनकर, कितनी बार ना आए होंगे ईश्वर, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। ऐसा कोई नहीं है संसार में जिसके द्वार पर कभी भगवान ना आए हो, जिसके पास कभी भगवान ना आए हो। सबके पास आए होंगे भगवान, कोई पहचान सका, कोई पहचान नहीं सका। कृष्ण तो थे, अर्जुन पहचान सका, दुर्योधन नहीं पहचान सका। राम थे, विभीषण पहचान सका, रावण नहीं पहचान सका। दोनों के सामने तो खड़े थे राम, हमारे भी तो सामने खड़े होंगे भगवान, आप लोगों के रूप में, बूढ़ों के रूप में, बुजुर्गों के रूप में, दीन दुखी के रूप में। पता नहीं हमने पहचाना क्यों,
कोई भूखा आया था आपके द्वार पर, भैया भूख लगी है रोटी दे दो, भैया प्यास लगी है पानी पिला दो, वो कौन था? कोई सुदर्शन चक्र लेके झोड़ी आएंगे भगवान तुम्हारे सामने? कोई बांसुरी लेकर झोड़ी आएंगे भगवान तुम्हारे सामने? कोई धनुष बाण लेके झोड़ी आएंगे भगवान? कोई प्यासा बन के भी तो आ सकते हैं, कोई जरूरतमंद बन के भी तो आ सकते हैं। तुम रास्ता भटक गए थे कि अचानक तुम्हें कोई रास्ता बताने वाला आ गया, वो कौन था? वो भगवान ही तो थे तुम्हें रास्ता बताने वाले, तुम पहचान कहाँ सके? तुम्हें लगा कि हमारी किसी ने हेल्प की, मदद की? आज के जमाने में तो कई बेटा अपने बाप की हेल्प नहीं करने को तैयार है, पर तुम्हारी कोई कर रहा है तो क्यों कर रहा है? कौन है वो, क्यों नहीं पहचानते? ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। भगवान को पहचानना सीखो। लोग कहते हैं ना भगवान दिखते नहीं, खूब दिखते हैं साहब, खूब। आप जितने लोग यहां बैठे हैं बताओ, मंदिर में जो भगवान बैठे हैं ना, उन्हें बनाने वाला कोई मूर्तिकार होता है। मंदिर में जो मूर्ति है उस मूर्ति को बनाने वाला कोई इंसान है, और आप जितने इंसान यहां बैठे हैं बताओ आपको किसने बनाया है? इंसान की बनाई मूर्ति को तुम भगवान कहते हो, और भगवान की बनाई मूर्ति का तुम अपमान करते हो, कैसे पहचानोगे भगवान को? अरे आप लोग जितने यहां बैठे हैं आप सब ही तो भगवान हैं, आप सबके रूप में यहां भगवान ही तो आए हैं, और मैं आप सबको भगवान की तरह ही मानता हूं, भगवान की तरह सेवा करता हूं, भगवान की तरह अच्छे से बात करता हूं, मैं भगवान ही तो मानता हूं आपको, ना जाने किस रूप में। तुलसीदास जी कहते हैं सी आराम मैं सब जग जानी, सर्वम खल विदम ब्रह्म, इस सिद्धांत से तो सभी भगवान है। मैं पत्थर की मूर्ति में ही भगवान क्यों देखूं? पत्थर की मूर्ति में भी मैं भगवान देखूं, और आप लोगों के रूप में भी मैं भगवान देखूं? आपके रूप में ना देखूं और पत्थर की मूर्ति में देखूं, ये तो न्याय है कि अन्याय है? यदि भगवान सब जगह है तो मंदिर में भी है, पत्थर में भी है, और आप सब में भी भगवान है, क्योंकि सर्वव्यापी है तो आप के रूप में भी वही है। सिर्फ पत्थर के रूप में ही क्यों देखना? माँ के रूप में क्यों नहीं देखना? पिता के रूप में क्यों नहीं देखना? गुरु के रूप में क्यों नहीं देखना?